इसके चुनावी परिवेश में पूरे प्रदेश में जो जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायत का चुनाव चल रहा है, तो आपके आजमगढ़ महाराजगंज ब्लॉक से क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए फूलमती यादव जी उल्टावा और जमुनी हवा मिलाकर के जो वार्ड बना है नौबरारा देवारा जदीद किता, वहां से बड़े ही बहादुर साथी सेक्टर नंबर एक से राज बहादुर जी जिनकी धर्म पत्नी जी चुनाव लड़ रही हैं, और हम लोग पहुंचे जब वहां टहलने घूमने मिलने जुलने चूंकि नाता बाता सब है उनमें, जब मिले जुले गेली तो चर्चा ही सुन ली, का चर्चा सुन ली कि राज बहादुर भैया के धर्म पत्नी जी भारी मत से जीती है। सवाल भेल कि काहे वजह जीती है, तो लोगे बतावे लगने कि जमन काम राज बहादुर जी कहीं ना बहुत बड़े बड़े पूंजीपति नाई के पुणे, क्षेत्र के लोगों की सेवा क्षेत्र के लोगों के सुख दुख में खड़े होने वाले जिनका नाम ही राज बहादुर है उनके लिए क्या कहना है। यह लिए गुरु गीत लगे क्षेत्र की बजाय क्या बात है, क्या बात है जियो जवन लोगन का चर्चा सुनाई कि अब की बार फूलमती यादव जी को विजयी बनाया जाएगा, राज बहादुर यादव जी को विजयी बनाया जाएगा, क्यों विजयी बनाया जाएगा लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं कि जो जन सेवा का काम जो लोगों के सुख दुख में खड़े हो करके दिन हो चाहे रात हो कंधे से कंधा मिला करके और चल करके लोगों के कल्याण के लिए लड़ाई लड़ते हैं, ऐसे प्रत्याशी राज बहादुर यादव जी की धर्मपत्नी फूलमती यादव जी को विजयी बनाया जाएगा जो क्षेत्र पंचायत नवरार देवारा जजीत किता की प्रत्याशी है जो उल्टहावा और जमी हवा मिलाए के बनल है, उन्हें जितावल जाए कैसे लोग बतियावे हुए बतिया कलम से व्यक्त कैले कभी जी। क्षेत्र में जन जन के क्षेत्र में जन जन के उमड़ल वकील ललकार रे भैया, क्षेत्र में जन जन के उमड़ल वकील ललकार रे भैया, चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, समाज में हर तबके के लोगों के दिलों और दिमाग में केवल एक नाम है फूलमती यादव पत्नी राज बहादुर यादव। क्षेत्र में जाने जाने क्या उमड़ल बा इलाल कारण ये भैया की जीती है राज बहादुर यादव की बार ये भैया। सारे लोग सोच रहे हैं कि हमारे सुख दुख में चाहे दिन हो रात हो बाढ़ हो बरसात हो हमेशा कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले आदरणीय राज बहादुर यादव जी जिनकी धर्म पत्नी फूलमती यादव जी चुनाव लड़ रही हैं, अगर फूलमती यादव जी को चुनाव जिताया जाएगा तो राज बहादुर यादव जी दिन और रात में कोई फर्क नहीं समझेंगे और लोगों की मदद करेंगे। ये क्षेत्र के लोगों की उल्टावा और जमुनी हवा के लोगों के दिलों और दिमाग में बात घर बना गई है, क्या चर्चा कर रहे हैं क्षेत्र के लोग बता रहे हैं कि जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं अगर उनसे पूछा जाए कि नरेगा का जॉब कार्ड कैसे बनेगा तो कहीं वीडियो साफ से मिल जाए,
ब्लाक में कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, कैसे जाना है, कैसे आना है, सिगरेटी कहाँ मिलेंगे, तब बताइए कि गऊ में कहूँ के पकड़ ला। लेकिन जमुनिया हवा और उल्टा हवा मिला करके जो वार्ड बना है सेक्टर नंबर एक, वहां से जो प्रत्याशी है फूलमती यादव जी, उनके हस्बैंड, उनके पति जी राज बहादुर यादव जी, इतने बोलने वाले हैं, इतने जानकार हैं कि किसी को कोई आवश्यकता पड़ेगी तो केवल यह जान करके, यह सुन करके, एक दूसरे से सुन करके उसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, वहां पहुंचने का काम करेंगे। क्षेत्र के लोग चाहे जहां बोलना होगा, चाहे जहां बात करनी होगी, राज बहादुर यादव के सामने कोई भी खड़ा होगा, कोई भी अधिकारी कर्मचारी अपनी बात रखने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए बोलने वाले और चालाक भी है, बोलता और चालाक भी हमें अपन दर्द बतावा, पौआ नहीं आके कि पैबा नहीं आके संचालक खेवन हार ये भैया, पैबा नहीं आके संचालक खेवन बहादुर यादव जी एक ऐसे व्यक्ति है जो गरीब मजलूमों के सुख दुख में खड़ा होते हैं और निश्चित तौर से चुनाव जीतेंगे। यह लोगों के दिलो दिमाग में बात घर बना गई है कि निश्चित तौर से चुनाव जीतेंगे। तो जितनी ऊर्जा से सेवा करते थे लोगों की, उसके दो गुना ऊर्जा से लोगों के सुख दुख में खड़े होकर के लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। इसलिए कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी और सुहेल देव जी के आदर्शों पर चल करके और दोनों लोगों के, बाबा साहब के और सुहेल देव जी के विचारों से प्रभावित होकर के राजनीति करने का काम करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, बहुत छोटी सी बात बताते हैं, सुनने में तो बड़ी छोटी लगेगी लेकिन शायद इस काम को कोई करने वाला नहीं होगा। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जिस समय निकले सूटकेस लेकर के, अपना बैग लेकर के, कि हम चलेंगे मीटिंग करने के, अपने समाज के लोगों को जगाएंगे, जानकारी मिली रास्ते में कि बाबा साहब के एक बच्चे का देहांत हो गया, इंतकाल हो गया, इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। बाबा साहब वापस आए, अपने बच्चे का दाह संस्कार करके फिर जब निकलने लगे तो गाँव के लोगों ने बताया, ये भी आप अपने बच्चे का दाह संस्कार करके आ रहे हैं और तुरंत निकल रहे हैं, तो बाबा साहब लोगों से बताए कि आज केवल मेरा एक बच्चा इस दुनिया को छोड़ा है और अगर उस अपने एक बच्चे के लिए मैं इस घर में बैठ जाता हूँ शोक मनाने के लिए, तो इस देश के करोड़ों बच्चे मर जाएंगे, कोई हाल चाल लेने वाला नहीं मिलेगा। बाबा साहब के आदर्शों पर चलने वाले, बाबा साहब के विचारों से लेस आदरणीय राज बहादुर यादव जी क्षेत्र के लोगों को जगाने का काम करिए और जगा करके और चुनाव मैदान में खड़े हैं, कहना है बाबा साहब के नियमों पर चलते ये प्रत्याशी, इसीलिए कहा गया है कि नफरत की आग में सुलगते समाज में प्यार के पवित्र एक धार से अम्बेडकर जबर के जहान मजलूमों के भगवान बन आंसुओं की भीख भी पुकार थे अम्बेडकर। बाबा साहब के आदर्शों पर चल करके क्षेत्र के लोगों को न्याय और इंसाफ दिलाने के लिए क्षेत्र के लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़े होने वाले आदरणीय राज बहादुर जी को देख करके आज विरोधी ही परेशान है।
बाबा साहब के नियमों पर चलते ये प्रत्याशी। परेशान है, सोच रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के आदर्शों पर चलने वाले श्री राज बहादुर यादव जी, उनके सम्मुख हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता हमसे सवाल कर रही है और उस सवाल का जवाब देने के लिए किसी के पास कोई शब्द नहीं है। इसलिए कहना है कि चुनाव विरोधियों के लिए फांसी का फंदा बन चुका है। बस इतने चलत हो कि कोनो तरीके से ठेल ढके जे काम चलाई ऐसा क्षेत्र के लोगे बतियाओ तुम याद राज बहादुर कर बटयो रहे भले जुझारू। हम बताई ला और क्षेत्र के लोगे बताओ थे फिर से बताओ थे बताइला कि सबही के सुनिहा फूलमती यादव के चुनिहा। चाहे विरोधी घेरे नक्का नक्का कोठरिया में ये पंचो काम करे पक्का। ऐसी व्यवस्था है लोग कह रहे हैं कि खाएंगे पिएंगे चाहे जिसका, लेकिन मतदान के दिन राज बहादुर यादव को ही वोट दिया जाएगा और फूलमती यादव जी को विजयी बनाया जाएगा। राज बहादुर यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सुहेल देव जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कहना है यादव राज बहादुर कर मठयो रहे बड़े जुझारू। पूरे क्षेत्र में केवल एक नाम चर्चा है, किसकी? श्री राज बहादुर यादव जी की, श्री फूलमती यादव जी की। चाहे कोई कतनो पियाई, चाहे कोई कतनो खियाई, लेकिन राज बहादुर यादव के कोई भी हरा नहीं पाई। ऐसा लोगों का दिल और दिमाग बताओ थे। एक लाइन और है मालिक, जैसी चर्चा है जैसा हम लोग बैठ करके चिट्टी चौराहों पर देख रहे हैं। गांव में चाहे कोई अगड़ा हो चाहे कोई पिछड़ा हो, दबा कुचला शोषित समाज हमेशा यहां भी बैठिए केवल एक नाम की चर्चा है, राज बहादुर यादव, राज बहादुर यादव। बताते हैं लोग कि राज बहादुर जैसा न्याय और इंसाफ दिलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। हम गरीबों की लड़ाई लड़ने वाला राज बहादुर जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। कई लोगों के विचार व्यक्त करते थे। आखिरी लाइन है, मन में सब ही ठान लिए बात सब करे कभी चार।
बीट